अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ चलते हैं और जहाँ पर हमारी बात खत्म हुई थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारी बात खत्म हुई थी रिलीजियस बुक के कुछ हिस्से पे जो एग्जांपल द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहीं से कोशिश करेंगे कि हम इसकी चीजों को करेंगे। और एक एग्जाम्पल था हमारे पास द होल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पर हमारी बात हुई थी ही कैरिड अ मर्ड नंबर्ड मटेरियल, जब वो खुद मस्जिद नफी में मस्जिद नफी बनती थी जब बना रहे थे तब ताबीर का सिलसिला चला, तो ये खुद भी साहब अकराम के साथ मिलकर काम करने लगे हमारे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और सेकेंड लेक्चर में ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक, जब खंदक के मौके पर तो इन्होंने क्या किया, अब एक भी क्या कर रहे थे उनका हेल्प की मार्ग माला की एग्जाम्पल सेट किया। अब जंग जंग के खतर के मौका पर है तो आमतौर पर यहाँ पर अगर कोई चीफ हो या यहाँ पर कोई बड़ा हो तो जब जंग हो या लड़ाई झगड़े हो या कुछ भी हो तो वो क्या करता है अपने सिपाहियों को भेज दिया करता है। लेकिन जब जंग खतर के मौके में देखा कि यहाँ पर हमारे नबी ने एक और एग्जाम्पल सेट किया कि अगर कोई दुश्मन से लड़ाई झगड़े भी हो तो सिर्फ सिपाही नहीं जाते लीडर भी जाए, तो यहाँ कहा ही जॉइन हिज कंपेनियन इज टेकिंग द फ्रंट और साइड मदीना। तो ये कंपेनियंस क्या है, सहाबा कराम को चाहने वाले मानने वाले को, तो ये अपने सहाबा कराम के साथ मिलकर अपने चाहने वालों के साथ मिलकर जंग खंदक के जो है खंदक के मौके पर तो वहां पर डिगिंग जमीन खोदना शुरू कर गए और डिगिंग द चर्च आउट साइड द मदीना, मदीना के बिल्कुल चर्च खंदक के उस बाहर के हिस्से पर तो वहां जमीन खोदना शुरू कर। तो बोले भाई मैं सवाल ये, तो भाई यही एक स्किल होती है, यही डेवलपमेंट है जहाँ पर हमें ये सीखना होता है। जैसे कि अगर काम है तो वो दिल से अंजाम देना चाहिए। रुखसाना वहाँ बैठी थी तो रुखसाना एक सवाल किया, वर इज कंपेनियन नॉट लाइक हिम अंकल, क्या उनके जो सहाबा कराम थे उनके जाने वाले क्या उनकी तरह नहीं थे। देखो नबी एक डिफरेंट है, उनकी इज्जत वकार मर्तबा मुकम्मल होते हैं, हम उनकी तरह बन सकते हैं, हम वो नहीं हो सकते इंसान। सहाबा कराम भी उनकी तरह बनने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं थे। जो नबी का मयार है उनका मुकाबला तो किसी के साथ नहीं है ना भाई। तो यहाँ पर उकसाने में ऐसे सवाल किया, क्या सहाबा कराम नॉट लाइक हिम, क्या उनकी तरह नहीं थे। जो वो काम अपने जानने कहा यू आर राइट उकसाना, तुमने ठीक कहा ठीक पूछा, उन्हीं की तरह थे। कैसे एग्जांपल सेट किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क, ना कि सिर्फ वो अपने काम करते थे बट आल्सो फेचस वाटर फॉर फेच वाटर फॉर विडो एंड नेबर हु वर वेरी ओल्ड एंड हैड नो वर्क टू डू नो वर्क टू वर्क और वेरी ओल्ड एंड हैड नो वर्क टू वर्क फॉर दैट। तो कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ना कि सिर्फ अपने बल्कि अपने काम तो देते ही थे लेकिन दूसरों के जो ऐसे जो बेवा खातून थी जो पड़ोसी थे जो बूढ़े थे जो किसी काम जो काम नहीं कर पाते थे उनके लिए भी काम करते थे। तो यहाँ पर आसो फेट वाटर फॉर द विडो, बेवा औरत थी उनके जो पानी उठाने में प्रॉब्लम होती थी तो वो पानी उठाकर ले जाकर इनने पड़ोसी के काम पर काम देते थे। वो वेरी ओल्ड एंड हैड नो वन टू वर्क, एक वो इंसान जो बुरे और जो इंसान जो काम नहीं कर पाते थे उनकी मदद करते थे फॉर दैट, उन लोगों के लिए काम करते। अब बात एग्जांपल सेकंड एग्जांपल पे दे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला वंस कैरीड ऑन हिज शोल्डर अ लार्ज सैक ऑफ फ्लोर फॉर अ नीडी फैमिली। यहां तक कहते हैं हजरत उमर क्या करते थे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला क्या करते थे कि जो जरूरतमंद मोहताज मिस्कीन की फैमिली होती थी उनके लिए खाना फराहम करते थे, ना फराहम बल्कि वो आटे की बोरी अपने कंधे में लाद कर ले जाकर उसी जगह पहुंचाया। अगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला की बात करें तो लेबर इन द गार्डन ऑफ द जीव, मतलब यहूदी के घर में काम करते थे एंड गिव अवे हिज वेजेस इन अ चैरिटी, और जो पैसे यहूदी के घर से मिलते थे वो बतौर चैरिटी दे दिया करते थे गरीबों की मदद। आज हम जो कमाते हैं हम रिश्तेदारों में बांट नहीं पाते, आज जो कमाते हैं अपने माँ बाप को नहीं दे पाते, आज आप जो कमाते हो अपने भाई बहन को नहीं दे पाते। तो भाई ये बड़े मुश्किल तरीन हालात है,
हमारे पैगंबर जो थे, हमारे खलीफा जो थे, हमारे साबिती जो थे, वो तो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारे लिए। कब और हजरत अली जो कमाते थे यहूदी के घर में जाके काम करते, यहूदी के घर में जाकर तो काम आप किसी कहीं पर भी कर सकते। तो जो पैसे मिलते थे वो गरीबों के लिए, गरीबों को चैरिटी करते थे। आज हम अच्छे कमाते हैं, पूरा नहीं, अब 10% भी कर ले, 20% भी कर ले, गरीबों की मदद कर नहीं कर पाए। आज आप किसी की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ये कॉन्सेप्ट सोचो, सोच होनी चाहिए। अल्लाह ना करे हम कभी परेशानी में हो तो कौन मदद कर गया है, तो अल्लाह हमारी मदद करेगा, ये सोच होनी चाहिए। तो ये मजदूरी क्या करते थे, एंड गिव अवे हिज वेजेस टू चैरिटी, वेजेस करते मजदूरी, चैरिटी मदद, चैरिटी देते हैं इमदाद करते हैं। हजरत फातिमा अगर भट्ट के साथ उमर बहुत अच्छी दिखे, हजरत फातिमा रजी with water drawn from and swept up out. Hazrat Fatima jo hai wo bhi paani utha kar lekar aa rahe hain, aaya karte ek jagah se dusri jagah, fir ka drawn fir kya kya gandum kapas gehun wagaira jo hai anaj wo pisa karte the, as swept the house, ghar ko saaf sutra karna, neat clean karna unki zimmedari. Khalifa Umar bin Abdul Aziz agar kya le Abdul Umar bin और अंदर करते हैं तो जानवर का चौकीदार रख लेते हैं। तो भाई कुछ ऐसे भी होते हैं वो अलग से जानवर कुत्ते भी पाल लेते हैं हमारे, भाई इंसान नहीं होना चाहिए। तो जितने पैसे तुम इधर खर्च कर रहे हो उतने पैसे में तुम गरीबों की मदद कर लो, ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अब कोई कह रहे नहीं भाई पैसे तो रख सकते, अब रखो, लेकिन गरीबों की भी तो बदलो, अल्लाह उनकी मदद करता है तो दूसरों की मदद करता है। आज अपने पैशन आयाशी जितने भी आयाशी कर रहे हो, लेकिन जितने भी ऐश कर रहे हो, तो भाई पॉजिटिव इस्तेमाल करो। तो ये तो एग्जाम्पल दरअसल क्या है, जो अपने घर में सर्वेंट भी रखना पसंद नहीं करते थे, तो हेल्प इज वाइफ और कहा कि एटेबल कैले नाम रशीद सर्व नॉट ओनली हिमसेल्फ, ना के सिर्फ वो अपने खाने पीने की चीजों को सब करते, तो आसवा इस गैस तो कहा कि नहीं एक कैलेट नहीं सेकंड कैलेट पर भी देखे मामो रशीद ऊपर क्या सर्वन उमर अब्दुल अजीज, उमर बिन अब्दुल अजीज उन्होंने सर्वन रखा ताकि वाइफ की मदद ना हो सके, हायर सर्वन टू हेल्प हिज वाइफ, रिफ्यूज कर दिया कि वो टेबल पे मेरी वाइफ को सर्व कर, ये जिन भी सोच और क्या कॉमन रशीद सब नॉट ओनली हिमसेल्फ, कॉमन रशीद जो थे क्या उनका जो वॉक ने, बल्कि जो गेस्ट जो मेहमान आया करते थे उनकी खिदमत में भी वो खुद हाथ पेश किया करते। ये देखो ये लोग हैं, अगर सुल्तान नासिरुद्दीन की बात करें, अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप्स, तो ये वो सुल्तान वो बादशाह थे जो अपने जिंदा रहने और अपने लिविंग रूल लिविंग स्टैंडर्ड को जिंदा रखने के लिए क्या क्या एग्जाम्पल सेट किया, तो कहा आर इज लिविंग बाय मेकिंग कैप, वो कैप बनाया करते थे, टोपी वगैरह बनाया करते थे ताकि वो मार्केट में सेल करें और सेल करके वो अपने जो अर्न पैसे कमाने को, और एम्पायर औरंगजेब बाय ट्रांसक्राइबिंग द होल कुरान, जो हजरत जितने भी खुलफाए राशिदीन थे तबे ताबीन थे, फिर हमारे प्रॉफिट थे, फिर यहाँ पर एक औरंगजेब बादशाह एक और एक बादशाह की एग्जाम्पल थे, दो कैरेट की एग्जाम्पल थे, दो बादशाह की एग्जाम्पल थे, दो यहाँ पर एक प्रॉफिट की एग्जाम्पल थे, दो खलीफा की एग्जाम्पल, तो भाई बहुत एग्जाम्पल आते हैं। औरंगजेब भाई ट्रांसक्रिप्टिंग द होल कुरान
अब ये जो बादशाह था मिस्री, वो क्या करा करता था, वो कुरान पाक की ट्रांसलेशन करके, उसको ट्रांसलेट करके जो हथियार जो पैसे बनते थे उससे अपनी जिंदगी बचाते। तो बताया गया आप किसी भी इमेज या पिक्चर पर काम करें या किसी भी जगह पर है, तो बेसिकली आपको अपने काम को अंजाम देना चाहिए ना, कि हुकुम देना चाहिए। तो वहां अंतर बदलकर ऑल दिस आर द स्टोरी ऑफ द पास्ट। बच्चों वाले सवाल थे, तो बच्चों वाले आपको भी बता दूं, आपके दिमाग में भी रहेगा कि भाई ये सारी बातें तो माजी की है, माजी में रहने दें। आपने भी ये सवाल करना होगा, या फिर ये बच्चा कह रहा है कि सर अंकल ये तो सारी बातें पास्ट की है लेकिन प्रेजेंट ऐसा नहीं है। तो अंकल एक और एग्जाम्पल सेट करके जो देखो, ओ नो, बच्चे को कहा जी नहीं ऐसा नहीं है, एडवांस कंट्री में भी देखें तो दे हैव लर्न द डिग्री ऑफ वर्क। आज भी वो अपने काम की अहमियत को जानते हैं डिग्री ऑफ वर्क क्या है। व्हाइल वी हैव फॉरगॉटन, अतः कि हम भूल चुके हैं कि हमारे काम की अहमियत क्या है। हम 10 दिन के लिए जापान गए थे, तो जापान का एक शहर है, तो वहां पर अभी हमने देखा कि बेसिकली हम अंदर दिवस हम अंदर के साथ के आज से 5-6 साल बाद, तो वहां पर जो अंदर के साथ गए थे ऊपर ऊपर था, वहां पर सिर्फ ऐसा लगता था कि उनके मजहब मजहब में बस इतना बात है, बाकी जितने काम हमारे नबी ने बोला वैसे ही वैसे अपने काम को अंजाम दिया। आज भी आप अपने चाइना को देख उठाकर देखोगे, जापान को उठाकर देखोगे, तो आपको खुद ही चैप्टर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग कितने मेहनती हैं और अपने काम खुद अंजाम देते हैं। आज देखो वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, आज देखो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते, चाइनीज प्रमोट करते हैं। आज देखो पूरी दुनिया भर अगर दो बड़े इन्वेस्टर हैं, अमेरिका है, चाइना है, तो चाइना की कितनी तरह प्रोड्यूस कर रहा है, तो भाई वो अपने काम खुद अंजाम देते हैं कोई भी काम, और वो वर्ल्ड पावर भी रहा है हमारे पास, एक बार नहीं दो बार। तो भाई देखो ये डिग्री क्यों हुआ है, बता के आज भी ये अपने काम को जानते हैं। व्हाइल वी हैव फॉरगॉटन, हमें ये अंतर बता रहे हैं, हम भी भूल चुके हैं। एक चाइना, अगर चाइना की बात करें, चाइना में एवरीवन हैज टू स्पेंड सम टाइम ईच ईयर, हर साल एक दिन ऐसा आता है हर कोई वर्किंग इन द फील्ड और इन द फैक्ट्री, कि वो फैक्ट्री में खेतों में काम करता है जाकर। इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज वाइफ टू दिस वर्ल्ड, अब तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी वाइफ जाकर, मैं कनाडा के एक वज़ीर-ए-आज़म को देख रहा था, उसकी बातें फेसबुक पर उसकी कटिंग देख रहा था, तो वहां पर देखा तो ऐसा वज़ीर-ए-आज़म कहने के, वो तो भाई नॉर्मली घूम रहा है, वो शहर वो आ रहे थे दो पांच, मैं तो नॉर्मल इंसान दिखाया है, लेकिन वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो लोगों से पब्लिकली डीलिंग कर रहा। मजा आता है जब इन लोगों को देखता हूँ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी बने तो प्रोटोकॉल यहाँ पे कोई अंदर है आ ही नहीं सकता भाई। अगर उनके पार्टी का कोई भी नुमाइंदा, हम तो छोटे काम से इंसान है, अगर उनके पार्टी का कोई भी होगा कोई भी, तो बगैर इजाजत को अंदर नहीं आ सकता, परमिशन नहीं मिली, आप कैसे भी जाएंगे। थिंक थिंक पॉजिटिव पॉजिटिव ना, हमें ये सोचना पड़ेगा हमारी कल्चर को ठीक करना हो, कौन लोग करेंगे, आप उन तो बड़े होंगे, आपके अंदर जब सोच होगी, आपके अंदर जब एजुकेशन होगी, आपके अंदर जो चीजें होंगी वो आपको पॉलिश कर रही होंगी चीजें जो आप सीखोगे बचपन में। कल के होया आप 10 साल 15 साल के बाद आप जब आपको सीख मिले तो आपके बिहेवियर भी अच्छे इंसानों की तरह होना चाहिए, आपकी कल्चर आपको प्रमोट करे, आपकी लैंग्वेज आपको प्रमोट करे, आपकी सकाफत आपको प्रमोट करे, आपकी एजुकेशन आपको प्रमोट करे, आपकी नॉलेज आपको प्रमोट करे, कुछ तो सीखेंगे तो कम होगा ना। आप पढ़ लिए लेकिन चोर नहीं, आप अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अपने लैंग्वेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अपने बातों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, भाई हमें ये सोचना होगा। फिक्र होगी जब आप तालीम हासिल करोगे, इल्म होगी आपके पास तो ये होगा मुमकिन। आज इस ब्रेकडाउन में जाने के बावजूद भी हम ब्रेकडाउन है, मतलब लॉकडाउन जिसे कहा गया, उसमें भी आज आपके लिए हम मान कर रहे हैं, क्यों कि हमारा माशरा जो है वो एजुकेट करे, इल्म हासिल करे,
करते 5-6 साल के बाद अगर यही चीजें बंद करते रहे 2 साल तक, तो हमारे पास अच्छे स्टूडेंट नहीं होंगे, आप भी अच्छे तो बहुत अच्छा होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को एकदम फोकस करो पहले। तो यहाँ पर कहा कि चाइना में हर एक इंसान वो क्या करता है, वो फैक्ट्री में या फील्ड में जाता है, क्षेत्र में काम करता है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी वाइफ भी, अच्छा देखिए मजदूर ने हमारे मजदूर को ज्यादा छुट्टी दे देते है ना भाई। वहां पर जब हमने मजदूर ने देखा हमने कि भाई जो वेटर जो लोगों को सर्व कर रहा था तो एक दिन वेटर की छुट्टी नहीं थी, बुलाया हुआ मजदूर ने, और मजदूर ने भी क्या हुआ तो वो तमाम जितने मजदूर जो राशन वगैरह में काम कर रहे थे उनको एक बार बताया जाए। तो जो बॉस थे, जो मैनेजर था, जो हेड था, जो इंचार्ज था, वो उनके लिए चीजें बना रहे थे, उनको सर्व कर रहे थे। आज हमारी हमारी भाई आप खाए मजा आ गया, मजा आ गया, लिटरली कह रहा हूँ। आज ऐसा हो सकता है कि आज की फैक्ट्री में जो बॉस हो, किसी जगह का जो बॉस है, मैनेजर है, वो अपने वर्कर के लिए खाना खाए, अपने वर्कर के लिए काम करे, अपने वर्कर के लिए सोचे। यार छोड़ो यार इतनी दूर की बात, किसी एक मजदूर के में अप्रिसिएशन वाली में वर्ड गया हो या अगर उसके वर्ड को छोड़ो तो एक दिन की जो सैलरी को एडवांस में दी हो, हाँ मन की सैलरी नहीं होती बाहर हमारी पैसा नहीं है, अगर अगले महीने में चले गए तो भाई क्लेम कर रहे हैं अगर कोई तो वो चले वापस आ जाओ, वर्कर पे जुर्म हो जाती है। यहाँ 2-2 महीने से नहीं देते क्राइम, वो उसको क्राइम समझते हैं कि आप मजदूरों का हक मारोगे, क्राइम है। पर मेहनत से कमाते हैं, आज हमारे समाज में क्या है, 1.5-1.5 महीने चली गई ऐसे काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, वो काम के बाद बिलीव दैट ऑल टू वर्क, वो चाहते कि हम ऐसे ही काम करें, and no wonder, इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है, they are making such a quick progress, और यही हो जाए, तो इतने तेजी से मनोरंजन ऊपर आते। अगर चाइना से ना तो यूएसए को देखें, what a state with a high government officer and a guest, तो हम तो कहते हैं मैं एक दफा एक government officer guest के तौर पर मेहमान के तौर पर रुका था एक होटल में, तो मैंने देखा his son जो government के employee है, वो high position पर था, उसका बेटा वो जस्ट एज ओल्ड एज यू आर, तो कहा अक्सर वो तुम्हारे ही तरह था, जितने बड़े तुम हो उतने ही बड़ा था। व्हेन आई अर्ली इन द मॉर्निंग वाज सुबह सवेरे उठता था उसे द न्यूज़पेपर और अखबार जाकर बेचा करता था। आई आर सेड व्हाई इट सो, मैंने पूछा बेटा तुम ऐसे काम क्यों करते, तुम्हारे वालिद तो एक अच्छे पोस्ट में है और अच्छी मतलब तनख्वाह है रखी और अच्छी पोजिशन है तुम्हारे पास, तुम ऐसा काम क्यों करते हो। तो इसे उस बच्चे ने जवाब दिया, it was simply because he wished to be an independent newsroom. तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं खुद मुख्तारी का मजाया करना चाहता हूँ, मैं खुद कमाना चाहता हूँ और अपने आप को जाया होने से रोकना चाहता हूँ newsroom, ताकि मैं लोगों के काम आ सकूँ। और आज जितने भी बच्चे हैं मुझे तो जाया होते मेरे साथ बारिक औकात में वो वीडियो क्लिप्स बनाते हैं, टिकटॉक बनाते, और कोई काम नहीं करता, उनको लगता है कि ऐसा काम करने से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फालतू बैठने से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओ भाई जो काम आप बैठ कर रहते हो, उसमें किताबें पढ़ लू, गूगल में काम कर लू, नेटवर्किंग में काम कर लू, पढ़ाई स्टेट टेस्ट कर लू, 5 पेपर 5 पास पेपर देखो 5 मिनट्स, लेकिन नहीं वो फालतू चीजों को ज्यादा अहम देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ सीखने की बात है, समझने की बात है, अकलमंद बच्चा वो होगा तो मेरी बात को समझेगा। आई आस्क हिम, कोई भी सोचो बच्चे ने बड़ा उससे जवाब दिया, इसलिए कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और लोगों के काम से। वन डे ही फेल, एक दिन ऐसा हुआ बच्चा बीमार हो गया, जब मैं वहाँ उस होटल में था, ये वो अक्कल बता रहे, जब मैं उस होटल में था यूएसए के, तो एक बच्चा वो बीमार हो गया, तो उसके बदले का काम कौन करे, तो हिज फादर वेंट आउट टू डिलीवर द पेपर फॉर हिम सो दैट ही मे नॉट लॉस कस्टमर। ओ गॉड, तो बाप ने उस काम को अंजाम दिया ताकि जो बेटे बेटे के जो कस्टमर है, क्लाइंट कस्टमर, वो जाहिर ना हो जाए। बेटा अच्छा है तो बाप के साथ, तो
क्या सोचो, आज हम इतने अच्छे हैं कि हमारे साथ देने वाला हमारा दोस्त नहीं आता, हमारे साथ देने वाले हमारे भाई नहीं आते, भाई हमें बहुत अच्छा होना पड़ेगा। वो ऐसा इखलाक। और आगे चलते हैं, तो उसके बाद में इस काम को जाते ताकि कस्टमर जो है वो जायदा वंस एक बार का पता प्रेसिडेंट ओन सर टू द जॉब इज वाइट वॉश रूम इन द होटल। यहाँ तक कि मैंने देखा जो सदर प्रेसिडेंट जो था उस होटल का, तो क्या जान दे रहा, देखिएगा बेटा उसका जो बेटा है उस पूरे होटल में सफेदी कलर कर रहा, काम के अंजाम को दे रहा है, सफेदी के काम पर काम दे रहा है। सारा ने फौरन से सवाल पूछा, अंकल डिड यू एनी क्लीनिंग व्हेन यू वर देयर, तो अंकल आपने किसी काम को अंजाम दिया जब आप वहां मौजूद थे। अंकल जाते वो ये जी मेरे बच्चे मैंने भी काम पर जाते हैं काम अंजाम दिया। आई लिव्ड इन अ हॉस्टल वेयर वी स्वेप्ट अ रूम एंड क्लीन अ बाथरूम। तो बताया कि जहां मैं जिस वजह जिस हॉस्टल में था वहां पर मैं अपने कमरे की सफाई खुद क्या करता था, मैं झाड़ू पोछा भी कहते हैं या सफाई सफाई का काम कर लें और उस सब कर लेते, यहाँ तक कि बाथरूम कमरे की कीमत है बाथरूम भी मैं ही साफ करता था। एक मतलब ऐसा हुआ बताएगा वंस When I needed extra money for books, एक दफा ऐसा हुआ जब मुझे पैसे की अशद जरूरत थी बुक खरीदने के लिए, तो मैंने कहा क्या किया हुआ, तो कहा आई मोर डिशेज इन द वॉच है। यहाँ तक कि मैंने होटल में जाकर बर्तन धोए। क्यों अंकल, थैंक यू अंकल, आई विल नेवर माइंड वर्किंग विद माय हैंड्स इन फ्यूचर। अब उसको ये बात समझ आ गई कि मैंने अपन क्या समझाना चाह रहा है, तो अंकल ने कहा बहुत शुक्रिया अंकल, I will never mind working with my hands in future. आइंदा मैं ऐसे गुस्साखी नहीं करूंगा और आइंदा अपने काम को खुद आगे चलकर मैं खुद अंजाम दूंगा और किसी भी किस्म के काम से गुरेज नहीं हूँ। तो मेरे बच्चे आज आपको भी यही सिखाता हूँ, काम की अहमियत बहुत है, काम को अगर समझोगे ज्यादा बेहतर। आइए मैं तुम्हें एक मैसेज देता हूँ, डिग्निटी डज नॉट कंसिस्ट इन द पजेसिंग ऑनर्स बट इन द डिजर्विंग दैट। तो कहा कि जो इज्जत है वकार है वो हमेशा नहीं रहती, क्या कह रहा है, डिग्निटी डज नॉट कंसिस्ट इन पजेसिंग ऑनर, वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी बट इन डिजर्विंग दैम, लेकिन आप उसको डिजर्व जरूर करोगे, कहीं ना कहीं कोई तुम्हें जरूर सह रहा है। आज यहां इज्जत नहीं कोई बात नहीं, तो कहीं और इज्जत हो गया, अगर आज यहां नाकाम हो गए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए नाकाम हो जाओ, कहीं और आपको जगह मिलेगी, एक दिन ऐसा होगा आप एक मुकाम तक पहुंच जाओगे। तो आप कोशिश करो पहले कि आप अपने इज्जत अपने मकान इस काम के अंदर जिसको मैं आपको बताऊं